जो है हमारे को तो बोला नहीं गया, तो भाई अब बिन बुलाए तो हम जाएंगे नहीं। आ रही हूँ कि मेरे कई शुभचिंतक हैं बहुत ज़बरदस्त, जो ये शायद चाहते होंगे कि किरण चौधरी बाहर निकल जाए, लेकिन किरण चौधरी कहीं नहीं जाने वाली। किरण चौधरी यहीं बैठकर लड़ाई लड़ेगी और दबा के लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के कंधों के ऊपर लड़ेगी और जो है उस लड़ाई को फतेह भी हम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का सिलसिला कभी थमेगा भी ऐसा लगता नहीं है। कुमारी शैलजा के हाथों में पार्टी की कमान थी तो हुड्डा गुट नाराज था, अब हुड्डा गुट के हाथों में पार्टी की बागडोर आई तो किरण गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और यहां तक कि अजय यादव का धड़ा भी अच्छा खासा नाराज है। पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता कभी एक मंच पर दिखते ही नहीं, और अब तो आलम ये है कि चुनावी माहौल में भी कांग्रेस के नेता सरेआम गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। ये गुटबाजी वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो, ये हम गुटबाजी हम नहीं करते। गुटबाजी जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, हम तो गुटबाजी में विश्वास। ये है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंशी लाल की पुत्र वधु किरण चौधरी, जो कहती तो है मैं गुटबाजी में विश्वास नहीं रखती, लेकिन मैडम के दाएं और बाएं बैठे इन दोनों नेताओं के बारे में जानोगे तो पता चलेगा कि हुड्डा को चुनौती देने के लिए किरण चौधरी भी अपना खेमा मजबूत कर रही है, और उनका साथ देने के लिए हुड्डा के धुर विरोधी ये दोनों नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा किरण चौधरी के दरबार में पहुँच गए। अब जब मैं भी सीएलपी लीडर थी तब ये चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने तो सब प्रभारी के साथ सारा बैठ के जो है एआईसीसी में मीटिंग करके जिनके आवेदन आते थे सबके ऊपर चर्चा हुआ करती थी, सारे बैठ के बात होती थी, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया होती थी। तो ये तो इस बारी जो है हमारे को तो बोला नहीं गया, तो भैया बिन बुलाए तो हम जाएंगे नहीं। मैडम आप तो कार्यकर्ताओं की आवाज बनने की बात कह रही हैं, लेकिन हुड्डा जी और बत्रा जी की आवाज उस तरीके से नहीं बन रही है, तो ये बोल रहे हैं आप उस चीज को। मैं अपनी बात करूंगी भैया, कमाल कर रहे हो आप, ये अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगी। दरअसल कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के दौरान डेलीगेट्स लिस्ट से नाम कटने के बाद कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने बगावत छेड़ दी है। रोहतक में दबदबा रखने वाले इन दोनों नेताओं ने बीते दिनों न केवल हुड्डा के खिलाफ जबरदस्त भड़ास निकाली थी बल्कि पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे दिए थे। ऐसे में अब कृष्णमूर्ति और सुभाष बत्रा ने किरण चौधरी का साथ चुन लिया है, जिसके जरिए ये दोनों नेता हुड्डा को चैलेंज करेंगे। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव को लेकर किरण चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ये तो मैं वो कहती हूँ ना, पंडित जी तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ मैं कि क्या भविष्य की गर्भ में क्या है और क्या नहीं है। मैं जिंदगी में बड़ी स्पष्टवादी हूँ, साफ बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी जो है दावे मैं करती नहीं हूँ, कभी भी झूठी बातें मैं बोल नहीं सकती, मेरी जबान ही लटक जाती है झूठ बोलने पर। तो क्या है और क्या नहीं है वो तो अब जो है 2-3 तारीख का है ना, 3 तारीख का जो है वो समय बता देगा। नहीं आज मैं कैसे बताऊँ आपको, आज तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी तक तो मैं गई नहीं हूँ वहाँ। जब मेरे को बुलाया जाएगा मैं वहाँ पे प्रचार करूंगी तब आपको शायद मैं आपको आंकलन दे सकूँ। अब हम जो हैं कोई, हम तो जो है कांग्रेसी होने के नाते जो है कांग्रेस कैंडिडेट की भारी बहुमत से जो है जीत हो उसी की जो है मनोकामना करेंगे और मेहनत भी करेंगे। अब ये हमारे पार्टी की बात है, ये आपको मैं जग जाहिर नहीं कर सकती। जाटलैंड की धरती कहलाने वाले जींद में आज किरण चौधरी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक किरण चौधरी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन इस दौरान किरण के समर्थकों में एक भी झंडा ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें लगी हों। जी हाँ, किरण चौधरी जो मर्जी कहे, कितनी भी गुटबाजी की हकीकत को नकारे, लेकिन सच तो यही है जो दिखाई दे रहा है और किरण की जुबानी सुनाई भी दे रहा है। किरण चौधरी हरियाणा की सीएलपी लीडर रह चुकी हैं, विधानसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद से किरण चौधरी नाराज चल रही हैं। इसी नाराजगी के बीच बीते दिनों हरियाणा में राज्यसभा चुनाव भी हुए, जिसमें कथित तौर पर किरण चौधरी ने जानबूझकर अपना वोट रद्द करवाया ताकि कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो और हुड्डा गुट बैकफुट पर आ जाए। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किरण चौधरी और कांग्रेस हाईकमान ही जाने, लेकिन हुड्डा गुट के खिलाफ किरण चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है ये बात पूरा हरियाणा देख रहा है। जिनसे ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।